अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी सुबह के नाश्ते के साथ। तो आज बन रहा है जी यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता, और आप देखें कि मेरी सिस्टर आ रही हैं साथ, उनके बच्चे आ रहे हैं और फुल फैमिली माशाल्लाह आ रही है और हमारे साथ ही नाश्ता करेंगे। तो उनकी कॉल आई है तो मैंने जो है ना आफिया से बोला तो हम दोनों ने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, साथ छोटी सिस्टर भी है। तो ये सारा सेटअप हो चुका है और नाश्ता मज़ेदार सा रेडी हो रहा है। नाश्ता करेंगे और उसके बाद मैं आपको ग्रॉसरी दिखाऊंगी। मैंने जो ग्रॉसरी की थी ना, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ। गिलानी मॉड गई थी ना, तो वहाँ से मैंने की थी ग्रॉसरी। तो आप देखिएगा आगे कि मैंने क्या ग्रॉसरी की थी। और उसके बाद जो है ना, जो न्यू देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। मेरी जो आपी हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ना प्याज वाला ऑमलेट, तो उनके लिए बन रहा है प्याज वाला ऑमलेट और उनके साथ जो है ना बाकी हम सब भी खा लेंगे। और ऑमलेट आफिया के हाथों का हो तो बहुत ही मज़े का होता है, क्योंकि आफिया बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हैं। तारीफ़ें कर करके सब खाते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आप सब देखने वालों को भी ना देख के खाने का दिल कर गया होगा कि फटाफट ये बने और हम खा लें। साथ ही यहाँ पे मेरी दूसरी सिस्टर चाय बना रही हैं, तो चाय की आप देखें ना कितना मज़े का चाय का कलर है, कितना मज़े का ये लुक है चाय का। मुझे तो चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जब मेरे सामने चाय आती है ना तो बस मुझे दिल करता है कि मैं पी जाऊँ फ़ौरन गरम गरम चाय। तो यहाँ पे मज़ेदार सी चाय भी रेडी हो रही है और पराठे भी और ऑमलेट भी। तो अभी हम सब करने लगे हैं जी मज़ेदार सा नाश्ता। अभी हो चुका है जी दिन का टाइम और नाश्ता वगैरह कर लिया था। ये मम्मा कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी, इनको मैंने वॉश करके रख लिया था, आधे से ज़्यादा तो हम खा चुके, तो ये कुछ बचा तो मैंने सोचा इसके भी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं अपनी डेली रूटीन में ऐड कर दूँगी कि आज का मेरा दिन कैसा गुजरा, मैंने क्या कुछ किया। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है सब चीज़ों को वॉश करके रखने में, सब सेट करने में। अरेंजमेंट करना ना बहुत ही एक मेरी नज़र में बहुत ही अहम काम होता है, सब चीज़ों को अरेंज करके रखना। ये वाले नगेट्स भी लेकर आई हूँ, फ्राई करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी कि ये इनका कैसा टेस्ट है। अभी मैंने टेस्ट नहीं किए, तो जब टेस्ट करूँगी फ्राई करके तो फिर मैं आपको बताऊँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम ये लेकर आई हूँ और उम्मीद है कि उम्मीद यही है कि ये अच्छा ही टेस्ट होगा। चिकन कबाब्स भी मैंने बना के रख लिए और कोफ्ते में लेकर आई थी, कोफ्तों का तो बहुत अच्छा टेस्ट था, वो मैंने बना लिए थे। और ऑयल घी में लेकर आई थी तो ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने ये अलग से रख दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको बाकी ग्रॉसरी दिखाती हूँ जी के क्या कुछ लेकर आई थी। यहाँ पर मेरा भांजा माशाल्लाह बहुत मस्तियाँ करता है और मुझे कुछ भी दिखाने नहीं दे रहा, तो बस ये सारी आप मेरी ग्रॉसरी देखें जो मैंने की थी। इस टी के साथ ये ट्रे मुझे मिली है फ्री और बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद आई है, क्योंकि मैं ग्रीन टी पीती हूँ तो फिर मैं ये यूज़ करूँगी। जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा जी। थैंक यू सो मच। ये है जी स्वीप, ये मैं लेकर आती हूँ और आप मेरे चैनल पे जाके देखें कि मैंने मशरूम कैसे चमकाया था, मशरूम की टाइल्स को मैंने चमका दिया था, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा चैनल पर वीडियो। जब वॉशरूम क्लीन करती हूँ तो सर्फ भी ज़रूरत पड़ता है मुझे, तो फिर मैं ये भी ले आती हूँ, ये वाला वॉशरूम के लिए ले आती हूँ। और कपड़ों के लिए तो मैं दूसरा लाती हूँ, वो भी था इसलिए मैं नहीं लेकर आई।
ये सब कुछ था जो मैं लेकर आई थी। अभी इन सबको मैंने सेटल भी करना है और आपसे आज इस व्लॉग में मैं लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।